जबरदस्त। से सुनना ना, इसके बीच में से एक आवाज आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रही आवाज। भाई लोग इतनी मेहनत लग रही है ना, पूछो नहीं, बहुत सांस चढ़ी हुई है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो हो गया भाई, क्या करें, बट शिखर तक जाना है। हेलो सुबह, वाह गाइस, एकदम से यार अभी अभी मेरी नींद खुली एंड रात अच्छे से कट गई एंड अभी भी हमारी आग जो है ना वो अभी भी जल रही है एंड टाइम हो रहा है 6:07। तो भाई लोग, हाँ जी भाई लोग, हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आया के व्लॉग। तो भाई लोग कैसे हो सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो भाई तुम्हारा अभी एकदम मस्त है। सो भाई, इस व्लॉग के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो भाई ये देख लो, आज सुबह का व्यू एकदम मस्त है, शानदार है, ज़बरदस्त है। तो रात हमारी बिल्कुल एकदम सही तरीके से कटी, थोड़ी हवाएँ चली, बाकी कुछ खास नहीं था। एंड ये है सुबह का व्यू, कोई धुंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट। ये देख लीजिए, एकदम परफेक्ट, एकदम भाई हर जगह ना आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी। एंड हमारी जो बॉनफायर की हुई थी ना वो रात से अभी तक जल रही थी। एंड ये आ गया ऊपर हंसराज स्टॉप, ये गली है जहाँ से हमें कपरन को जाना है। एंड ये सामने देवदूत और कुछ ये इलाके हैं बाकी। तो गाइस ये था यहाँ का मॉर्निंग का व्यू, मैंने आपको पूरा 360 दिखा दिया। भाई तुम्हारा थोड़ा फ्रेश वगैरह होगा, हाथ में धोते हैं, चाय रेडी करते हैं, आग तो अभी भी वैसे जल रही है। मिलते हैं आपसे चाय पे, तब तक ले बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। तो भाई लोग अपनी चाय भी एकदम रेडी हो चुकी है, पीते हैं चाय, एकदम सी टेस्ट है यार, मज़ा आ रहा है। ये देख लो जी भाई, फोटोग्राफी में लगे हैं, चाय ठंडी हो रही है कि टेम्परेचर यहाँ पे बोर्ड ऑन है। इन धूप भी अभी निकल गई है या। तो गाइस हम पीते हैं चाय जल्दी जल्दी, मिलते हैं आपसे चाय के बाद। साजिद भाई चाय वहाँ पे पड़ी है, जल्दी जल्दी चाय उठाओ और चाय पियो एंड फिर पैकिंग करनी है एंड आफ्टर दैट निकलना है हमने उस स्टॉप पे जो ऊपर लास्ट दिख रहा है, हंसराज स्टॉप, जिस श्री रामन की हाईएस्ट पीक है ये। भाई लोग अपना खाना वगैरह सारा कुछ हो गया, मैगी वगैरह, तो भाई हम फुल पैक होके निकल पड़े हैं। ये साजिद भाई है, एकदम तैयार होके निकल पड़े यहाँ से। तो भाई मिलते हैं आपसे वो स्टॉप पे जाके, वहाँ से दिखाते हैं आपको व्यूज़, हर तरफ का व्यू दिखाते हैं। तो तब तक ले भाई, टेक केयर। तो भाई लोग फाइनली भाई तुम्हारा उस स्टॉप पे पहुँच गया एंड एक सी बात है भाई, इस जगह का नाम ना घोड़न है। एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि भाई हमें बर्फ़ भी यहाँ पे मिल गई। एंड फिलहाल आप व्यू देख लो यार, ये देख लो, एकदम ज़बरदस्त व्यू पूरे पहाड़ों का। एंड भाई लोग ये रही हमारी बर्फ़, ठीक है अभी हमें ऊपर तक तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ दिखेगी बट ये स्टार्टिंग है। ये वाला एरिया जो है सामने वाला नील वाला एरिया है एंड ये वाला एरिया पोगल वाला एरिया है। साजिद भाई बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एंड वो सामने टॉप है जो हंसराज टॉप है एंड वो एक टॉप है एंड वो देख लो सर्वाधार। तो यहाँ से बहुत सी चीज़ें दिखती हैं। सो गाइज अभी हम ऊपर पूछ के मिलते हैं आपसे तब, ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए यार। तो तब तक ले मज़े करो, मस्त रहो। ये देख लो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं भाई लोग, ये देख लो कितने प्यारे प्यारे से फूल। गाइस ये देख लो कितने प्यारे फूल हैं, 13,000 फीट की हाइट पे ये फूल हैं, अवेलेबल हैं। ये देख लो भाई एकदम करीब से दिखाते। तो भाई लोग फाइनली भाई तुम्हारा बहुत चलते चलते हंसराज हट्टस पहुँच चुका है। ये देख लो यार बर्फ़ का व्यू देख लो, एकदम ज़बरदस्त लग रहा है। एंड गाइस ये हंसराज हट्टस है एंड अब मिलते हैं हम आपसे उस टॉप पे जो हंसराज है, हंसराज टॉप। लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है यार, देखो कहाँ जाना है,
भाई तुम्हारा बर्फ देखे ना फुल एनर्जेटिक हो गया है। भाई लो यार यहाँ पे देख लो कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है भाई। यहाँ पे तो रास्ता भी नहीं है क्योंकि बर्फ़ एकदम जमा हुआ है, वहाँ से जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी भाई। यहाँ पत्थर ही पत्थर है, उन पत्थरों में से चढ़ना पड़ रहा है। ओ भाई लोग फाइनली भाई आपका यहाँ पे पहुँच गया है, लेकिन क्या अब उन्हें चक्कर आ रहे हैं भाई, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, बहुत कम ऑक्सीजन लेवल है, चक्कर आ रहे हैं भाई। एंड यहाँ पे देख लो ये रास्ता भी यहाँ पे बहुत अजीब सा है। एंड वो देख लो वो वहाँ पे हिल्स दिख रही होंगी, उन पर बर्फ़ कितनी ज़्यादा है भाई। ये कुछ नीचे का व्यू है भाई लोग, इतनी मेहनत लग रही है ना पूछो नहीं, बहुत सांस चढ़ी हुई है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया भाई, क्या करें, बट शिखर तक जाना है भाई लोग। यहाँ पे इतने पत्थर है ना पूछो नहीं भाई, क्या हालत हो रही है। तो भाई लोग फाइनली हम इस स्टॉप पे पहुँच गए, अभी हंसराज टॉप यही होता है भाई, हंसराज टॉप यह है ऊपर वाला, ये स्टार्ट है यहाँ से हंसराज टॉप की। यहाँ से आप एक बार व्यू देख लो, बाद में धुंध आ जाएगी यार, धुंध आ रही है नीचे से बहुत स्पीड में, देख लो ये इसका पूरा व्यू है। वो देख लो वहाँ पे कितना कितनी मस्त मस्त सी पहाड़ियाँ हैं, हमको दिख रही होंगी ना गाइस, वो देख लो यार एकदम मस्त वाली भाई। एंड ये जो रास्ता नीचे को जाता है, ये कपरन वाली साइड जाता है नीचे को, यहाँ से होते हुए तो फिलहाल देखते हैं। यहाँ पे आप ये व्यू देख लो भाई, एकदम ज़बरदस्त व्यू है। तो अब हम ऊपर पूछ के भी आपको दिखाते हैं वहाँ से कैसा व्यू दिखता है। तो भाई लोग मिलते हैं आपसे हम वहाँ पे। कैमरा उसमें सूट नहीं देने ऊपर हाँ दे दाओ मिस बना ले। भाई लोग हम अभी कुछ ऐसी जगह पे पूछ चुके हैं, एंड ये जो सामने दिख रहा है ना आपको टीला, ये हंसराज टॉप, विद इन 2 मिनट्स हम वहाँ पे होंगे। तो भाई अभी ये भाई बोल रहा है कि मेरे को नहीं आना है, तो चलो कोई नहीं मैं निकलता हूँ वहाँ के लिए, एंड देखता हूँ वहाँ पे क्या होता है। लोग इस टॉप पे फूल देखो कितने प्यारे प्यारे से हैं, वाह। तो भाई लोग फाइनली भाई तुम्हारे यहाँ पे पूछ चुका है, तो ये है कुछ यहाँ का व्यू। अभी एक साइड में धुंध पड़ गई है, एक साइड में नहीं पड़ी है। तो ये है भाई हंसराज टॉप, ये देख लो। अब यहाँ से ये डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी सी लेवल से जो हाइट है ना 3,027-26 फीट आ रहा है। हेलो यार, यहाँ पे आने तक के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और ये जो हंसराज टॉप है ये डिस्ट्रिक्ट रामन की हाईएस्ट पीक है, इससे ऊपर कोई पीक नहीं है डिस्ट्रिक्ट रामन की, जो सबसे हाईएस्ट पीक वो यही है। तो भाई जो इसका रूट है वो पोगल से उगते हुए आया था मैं, पोगल से मैं सरगली, सरगली से यमुल तालाब, यमुल तालाब से वनबर घुड़न, उसके बाद हंसराज हट्टस बोलते हैं, और ये हंसराज टॉप। तो भाई लोग ये तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र था जो हमें, आज मेरा थर्ड डे है और मैं यहाँ पे पहुँच गया। एंड इसके बाद मैंने इससे जाना है, कपरन जाना है, बट मुझे पता नहीं मैं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, तो देखते क्या होता है। तो भाई लोग ये यहाँ का सारा व्यू है हंसराज का, मैं वहाँ पे जाके भी आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ व्यू है यहाँ का, ये इस साइड का, वहाँ पे पहाड़ियाँ देख लो, पूरी पहाड़ियों पे बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही होगी, मैं वहाँ पे जाके भी चेक कर देता हूँ। एंड तो भाई ये कुछ है यहाँ का व्यू, ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ आपसे वो वहाँ पे जाके, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई लोग फाइनली सीन ये होता है कि यहाँ पे ये देख लो यार, यहाँ पे धुंध आ गई और हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम रास्ता भूल भी सकते हैं धुंध की वजह से। तो गाइस वो जो सामने वाले पहाड़ दिख रहे हैं ना, तो हम लोगों का कहना है कि हम नेक्स्ट टाइम, पक्की सोच है भाई तुम्हारा, वो जगह आपको दिखाएगा, उसका क्या नाम है भाई उस जगह का, कॉयल सर वगैरह, वो मतलब बहुत सी सी जगह, काव कोट मार्ग, बहुत सी सी जगह हैं। तो भाई लोग यार भाई तुम्हारा इस ब्लॉग को करता है यहाँ पे ही एंड, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड भाई मिलते हैं आपसे फिर से किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। Thank you.